वाणी का दान देते रहे और जकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे, क्योंकि कहा है किसी ने तो लागी लागी सब कहे, लागी लागी सब कहे और लागी बुरी बलाए और लागी बाकू जानियो जो आर पार। सर्वप्रथम इस जिकड़ी प्रांगण में बैठी हुई समस्त सरदारी दूर दरार से मेरे अति महान भाव, मेरे पिता तुल्य, मेरे पिता समान बुजुर्ग यहाँ पर बैठी हुई हमारी पंच कमेटी एवं हमारे गुरुजन, कहीं पर भी मेरी आवाज को सुनते हुए गंगा के समान पवित्र इस मातृभूमि का श्रृंगार मेरी मातृ शक्ति एवं मेरी माता बहनाएं। सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डागुर जट्टारी की तरफ से नमामि नमस्कार व राम राम साहब। सज्जनों विचार करिएगा, कवि ने कलम को उठाया, चार पंक्तियों के द्वारा इस समाज के लिए एक सुझाव, एक चेतावनी, एक सुंदर सा संदेश भेज रहा है कवि। भैया पवन लिखा क्या? कि द्रौपदी काज बजाज बनो और दीन सुदामा को महल बनायो और मीरा को जहर बनाओ अमृत और वह गंगा को नीर कठो फकीर को भात भरो और जल चरते गजराज बचायो और सैलानी तेरे हजार आंख पर मेरा फूटो सा ढोंढ नजर में ना आयो। जैसा कि आप जानते हैं जिकड़ी भजनों की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले जिस परमपिता परमेश्वर ने हमें इस मनुष्य रूपी शरीर को देकर भेजा है, हमारी परम कर्तव्य यही बनता है कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए उस प्रभु के चरणों में जाकर वंदना करें, पूजा करें, आराधना करें, प्रार्थना करें। जिकड़ी भजना का कार्यक्रम है दो लाइन की साखी चेतावनी तार पर भैया पवन कहा क्या कवि ने? आज हो चुनरिया मेरी और करके का
सुनिए, जिसको भरतपुर जिले की पहचान बताया गया है। बात सेटिंग और मैचिंग वाली, भैया पवन कहा क्या? अरे बोल मत बोल भैया, अरे बोल मत बोल जहरीले, अरे जहरीले हो हो, जहरीले रे बाबा, जहरीले रे भैया, जहरीले रे, तू तो दुनिया के मीठो मीठो बोल, अरे बोल मत बोल जहरीले। समझी ना साहब, रुपया दिखा रहे। अच्छा साहब, आ रही हूं साहब। प्रसंग वही जो मैं आपके समक्ष आपके सामने अपने दौर पर छोड़ कर गई थी। आहा, मैया पार्वती ने एक चंडालिन का रूप धारण कर लिया, बियावान जंगल में जाकर बैठ गई, धीरे धीरे एक लकड़ी का बोझा तैयार किया। आज जैसे ही राजा हरिश्चंद को देखा, रथ को रोक लिया चाचा जी, अर्थ में जवाब दिया, अरे कैसे इतना बोझ उठेगा, कैसे इतना बोझ उठेगा, और मन चिंता लग रही गाड़ी है, अरे राजा आमत देख वाके आगे है गई। का हाथ जोड़ के चंडालिन ने, अरे हाथ जोड़ के चंडालिन ने, और बाबा नृपते वचन उचारे, और सुन राजा घोड़ा। आज मैया पार्वती ने राजा हरिश्चंद के रथ को रोक लिया, मराठी आर्य साहु जिकड़ी की, और जवाब दे रहा है कभी भैया पवन क्या। और कह रही अबला, और सुन ले राजा, और माँ पे भोज जिलेना प्यारा है, और मेरे बोझ शीस पे, और बोझ शीस पे धरवा दे मोहे, दे दे तनक सहारो है, बोझ शीस पे धरवा दे मोहे, दे दे तनक सहारो है। और कहा क्या मैया पार्वती ने, और जोर लगा के देख लिया मैंने, और एक क्या रुपये का पुरस्कार सोरन दादा दे रहे हैं, हमारे बार बार धन्यवाद। अरे 51 रुपये का पुरस्कार जवाहर भैया दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। अरे 51 रुपये का पुरस्कार खुशीराम गोहावली से दे रहे हैं चाचा जी, आशीर्वाद की कामना करूंगी। और 51 रुपये का पुरस्कार आदरणीय बाबू ठाकुर जी दे रहे हैं, हमारे लिए बार बार धन्यवाद। और 51 रुपये का पुरस्कार सरपंच साहब के बड़े भाई दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और 51 रुपये का पुरस्कार शांति देवी वाहवली से दे, बार बार धन्यवाद। लो साहब ले लिया और मंच पर पहुंचा दिए साहब। और 51 रुपये का पुरस्कार, हाँ जी बताओ तुम, यहीं से ले लिया खुल लिया। और 51 रुपये का पुरस्कार आदि चाचा फतेह सिंह जी दे रहे हमारे लिए। और 51 रुपये का पुरस्कार मान सिंह चाचा जी दे रहे, बार बार धन्यवाद। और भैया कह रहे कभी क्या, और 51 रुपये का पुरस्कार चंद्रपाल चाचा जी दे रहे, हमारे लिए बार बार धन्यवाद। कह रही है मैया पार्वती क्या, और 100 रुपये का पुरस्कार विपिन भैया दे रहे, हमारे लिए आशीर्वाद की कामना करो।
भैया कहा क्या भैया पार्वती है? और एक क्या मेरे बेटा पुरस्कार रूप सिंह रूप सिंह भैया जी दे रहे हैं ये बार बार धन्यवाद भैया हुआ क्या क्या बात है और एक क्या मेरे बेटा पुरस्कार प्रकाश चाचा जी दे रहे हमारे लिए बार बार धन्यवाद और एक क्या मेरे बेटा पुरस्कार है जी मानसिक सरपंच दे रहे हमारे लिए बार बार धन्यवाद और एक क्या मेरे बेटा पुरस्कार सतीश भैया जी दे रहे हमारे लिए बार बार धन्यवाद और इक्यावन रुपए का पुरस्कार काशी पंच दे रहे हार ये बार बार धन्यवाद और हुआ क्या भैया हुआ क्या भैया क्या है और कहा क्या और इक्यावन रुपए का पुरस्कार बहादुर चाचा जी दे रहे गोदावरी से बार बार धन्यवाद और भैया कहा क्या और जोर लगा के देख लिया मैंने और इक्यावन रुपए का पुरस्कार बताओ मास्टर जी दे रहे हैं गोदावली से बार बार धन्यवाद भैया हुआ क्या और जोर लगा के देख लिया मैंने और बोझ उठे ना भारा है और तनक हाथ लगवा दी हो कह लखनऊ भर के बारो है हाय तनक हाथ लगवा दी हो कह लखनऊ भर के बारो है रोक लिया कहने लगी महाराज आपसे एक छोटा सा निवेदन है एक विनती है एक प्रार्थना है इस लकड़ी के गट्ठर को उठवाकर मेरे शीश पर रखवा दो आज जब इतनी बात को राजा हरिश्चंद ने सुना है अर्थ में जवाब दे रहा है कवि के पहल पत्त ही नचगा राजा पहल पत्त ही नचगा राजा ना तेरा बोझ उठाऊंगा अरे कितनी मोटे कह बुढ़िया ना बोझ के हाथ क्या जितकु राजा पाम धरे अरे जितकु राजा पाम धरे और वो तो उतकु ही नरपकु डोके और बाबा ये तो गैल भूप की आहा आज राजा हरिश्चंद ने मैया पार्वती के स्वरूप को पहचाना नहीं है चाचा जी लंगड़ा ढोला आ रहा है जिकड़ी का ध्यान से सुनिएगा क्योंकि किसी कहने वाले ने कहा है कि शब्दों का ही मेल है शब्दों का ही खेल है और शब्दों से बच्चा पास है तो शब्दों से ही समय भी समापन की ओर है भैया जी लंगड़ा ढोला में जवाब दे रहा भैया पवन क्या और रार बुढ़िया और काहे तू मचा रही है ज्यादा जरा दे कहा क्या हेर रार बुढ़िया हेर रार बुढ़िया चाहे रही है ज्यादा रार और रार बुढ़िया काहे तू मचाहे रही है ज्यादा रार और राजा हरिश्चंद्र ने मैया पार्वती को फटकारते हुए एक बात कही और भैया कहा क्या और ये 51 रुपए का पुरस्कार चंदन ठाकुर जी दे रहे हमारे लिए बार बार धन्यवाद और ये 51 रुपए का पुरस्कार बबलू भैया दे रहे हमारे लिए आशीर्वाद की कामना करूंगी हमेशा भैया कहा क्या हो वैसे जल ना मोहे दिखे रे और 51 रुपए का पुरस्कार कुलदीप भैया दे रहे हमारे लिए क्या बात है और भैया हो वैसे जल ना मोहे दिखे रे हो वैसे चाचा तमें बहुत देर से दिया फ्री हूं मैं
या 50 के नोटिया बार बार रख ले जेब में बार बार निकाल रहे। बहुत देर से सोच विचार चल रो दऊ ना दऊ रुपया ने ना छोड़ूंगी मैं। हाँ सा बताओ भूल गए ना मैं कहा बतो ही ना चल रही। केदार केदार चाचा जी दे रहे हो लिवार और धन्यवाद भैया। कहा क्या ओ वैसे ऊंचल ना है मोह दिखे रे वैसे ऊंचल ना है मोह दिखे रे। एक कैमर पे का पुरस्कार अमित राणा और एक कैमर पे का पुरस्कार विष्णु भैया दे रहे हमारे लिए बार बार धन्यवाद। एक कैमर पे का पुरस्कार अशोक फौतार जी दे रहे गुहावली से बार बार धन्यवाद भैया। कहा क्या हेरे वैसे ऊंचल ना है मोह दिखे रे वैसे ऊंचल। भैया बार बार क्यों बुलाए रे एक बार में कह दो जितने को देने तुम क्योंकि समय समापन की ओर चल रहा है। भैया पवन हाँ जी बताओ और ये 100 रुपए का पुरस्कार विष्णु भैया 100 रुपए का पुरस्कार विपिन भैया दे रहे हैं हमारे लिए बार बार धन्यवाद भैया। कहा क्या ओ वैसे ऊंचल 51 रुपए का पुरस्कार सरपंच जीजा जी हमारे 50 रुपया में जीजा कहवा रहे हैं साहब और 51 रुपए का पुरस्कार है जी वेदन चाचा जी दे रहे हमारे लिए बार बार धन्यवाद भैया। कहा क्या ओ वैसे ऊंचल ना है मोह दिखे रे अरे नार कहू यरे नार कहू भंगी की लगे है मोहे नार अरे नार कहू भंगी की लगे है मोहे नार। और ये लंगड़ा ढोला हो गया और लंगड़े ढोला में चाचा जी एक झड़ाव लगाया जाता है और झड़ाव में जड़ाव दिया कभी ने भैया कहा क्या रहे? कहा भैया मेरे बाबा रे भैया हो मेरे भैया रे हिली की तो भर भर राजा रो रहे हो मेरे भैया